वेस्टइंडीज दौरे के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। विराट कोहली को एक बार फिर तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी सौंपी गई है। रोहित शर्मा को वनडे और टी20 में उपकप्तान बनाया गया है, जबकि टेस्ट मैच में उपकप्तानी की जिम्मेदारी अजिंक्य रहाणे को सौंपी गई है। ऋषभ पंत को तीनों ही फॉर्मेट्स में विकेटकीपर चुना गया है। इसके अलावा टीम में किस किस खिलाड़ी को मिली है जगह और किसका कटा है पत्ता, आइए देखते हैं। इंग्लैंड में विश्व कप के सेमीफाइनल में मिली हार के बाद अब टीम इंडिया एक बार फिर तैयार है। विश्व कप के बाद टीम इंडिया पहले दौरे पर वेस्टइंडीज जा रही है। यहां भारत वेस्टइंडीज से तीन टी20, तीन वनडे और दो टेस्ट मैच खेलेगी। दौरे का पहला टी20 मैच 3 अगस्त को फ्लोरिडा के ब्रोबार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम के टर्फ ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस दौरे के लिए टीम का चयन 3 दिन से टल रहा था और आज टीम के ऐलान से पहले BCCI के चीफ सिलेक्टर MSK प्रसाद की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय चयन समिति ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बैठक की। बैठक के बाद टीम का ऐलान कर दिया गया। MS धोनी पहले ही वेस्टइंडीज दौरे में जाने से मना कर चुके थे, इसीलिए उनके नाम पर विचार नहीं किया गया, जबकि हार्दिक पांड्या और विजय शंकर चोटिल होने के कारण टीम में नहीं चुने गए। जसप्रीत बुमराह को टी20 और वनडे में आराम दिया गया है, लेकिन वो टेस्ट टीम में शामिल किए गए हैं। चयनकर्ताओं ने तीनों फॉर्मेटों के लिए टीम का ऐलान किया है। टी20 टीम में विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा उपकप्तान, शिखर धवन, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत विकेटकीपर, कृणाल पांड्या, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, राहुल चाहर, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, दीपक चाहर और नवदीप सैनी हैं। इसी प्रकार वनडे टीम में विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा उपकप्तान, शिखर धवन, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत विकेटकीपर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, केदार जाधव, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, नवदीप सैनी। जबकि टेस्ट मैच की टीम में विराट कोहली कप्तान, अजिंक्य रहाणे उपकप्तान, मयंक अग्रवाल, KL राहुल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत विकेटकीपर, रिद्धिमान साहा विकेटकीपर, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।